हाय फ्रेंड, ये मेरे पास सैमसंग का मॉडल है S10 Plus। S10 इसका मॉडल है S10 Plus। इसमें प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग पे लगाने पे इसमें चार्जिंग का एरर आ रहा है, तो आप लोग को चेक करा देता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने चार्जिंग में लगा दिया, ये चार्जिंग लोगों शो कर रहा है, थोड़ी देर बाद इसका एरर मैसेज आएगा। चार्जिंग लगाने पर ये एरर आ रहा है, ट्रिंगल बन के आ रहा है, इसमें बैटरी टेम्परेचर टू लो का मैसेज आ रहा है। तो खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है, वायरलेस का है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि ये वायरलेस इसमें से कटा हुआ है। तो दूसरा तो मेरे पास वायरलेस नहीं, अगर आप लोग के पास दूसरा वायरलेस स्ट्रिप है तो आप चेंज कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये छोटा सा थर्मिस्टर लगा है, ये जब तक उसमें कनेक्ट नहीं होता जब तक ये एरर जाता नहीं है। तो मेरे पास इसका दूसरा वायरलेस स्ट्रिप तो नहीं है, तो इसको ही इसी को बाईपास करेंगे। वैसे ये वायरलेस स्ट्रिप मिलती तो नहीं है जल्दी मार्केट में, या सेकेंड हैंड कोई पीस रहेगा तो उसमें से लगा सकते हैं। तो इसका यही सोल्यूशन है कि इसको बाईपास करेंगे, वायरलेस तो काम नहीं करेगा, लेकिन वायरलेस चार्जिंग काम नहीं करेगा, लेकिन ये बाईपास कर देंगे इसको, तो फिर चार्जिंग में लगाएंगे तो चार्ज होगा, वो एरर जो आ रहा है वो भी खलास हो जाएगा। तो इसकी जितने भी पिन है सब पे वैल्यू चेक करेंगे कि इस पर कितना आ रही है। तो ये एक पिन पे आ रही थी, अभी ये दूसरा चेक करते हैं। सब पिन को चेक करेंगे, जितने भी वायरलेस पिन है सबको चेक करेंगे किस किस पे वैल्यू आ रही है। तो ये लास्ट वाली पिन पे आ रही है इधर से, और वो लाइन में ये पहली पिन पे वैल्यू आ रही है। तो जो पिन पे वैल्यू आ रही है उसको जंपर करेंगे, जितने भी वैल्यू वाली पिन आ रही है, जितने भी पिन पे वैल्यू दिखा रहा है उस पिन को जंपर करेंगे। तो ये हमारे दो पिन पे वैल्यू बता रहा मल्टीमीटर में, तो ये दोनों को जंपर करेंगे, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले जंपर कर लेते हैं दोनों पिन पे, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आपको दूसरी स्ट्रिप मिल जाती वायरलेस स्ट्रिप तो आप चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर दूसरी चार्जिंग स्ट्रिप नहीं मिलती तो इसी तरह सारी पिन पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे, कौन कौन सी पिन पे वैल्यू आ रही है। जो पिन पे भी वैल्यू आएगी, इसमें आप देख सकते हैं 7 पिन का है ये, तो 7 पिन चेक करेंगे कौन कौन सी पिन पे वैल्यू आ रही है। तो जो पिन पे वैल्यू आएगी, 2 पिन पे वैल्यू आएगी, तो जो जो पिन पे वैल्यू आएगी उसको जंपर करेंगे। और यही सेम तरीका S10 Plus, Note 10 Plus, 8 Plus, सैमसंग का जितना भी मॉडल है सब में ऐसे ही जंपर मार सकते हैं। Note 10 Plus हो गया, S10 Plus हो गया, और Note 10 हो गया, S10 हो गया, उसके बाद Note 8 हो गया। तो ये मैंने जंपर मार दिया, उसके बाद इसके ऊपर टेप लगा दिया। अब इसको फिट करके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो इसको जंपर मारने के बाद मैंने टेप लगा दिया है कि जो वायर है इधर उधर शॉर्ट ना हो, इसके लिए सेफ्टी के लिए मैंने वायर इस पर टेप लगा दिया है जंपर के ऊपर। अब इसको फिट करके उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको फाइनली मैं पैक कर देता हूँ ग्लू लगा के, उसके बाद चेक करते हैं, क्योंकि ये कंफर्म है कि USB से तो चार्ज होगा लेकिन वायरलेस चार्जिंग से चार्ज नहीं होगा। लेकिन USB लगाने पे USB केबल इसमें लगाएंगे तो पक्का 100% ये चार्ज होगा। जो मैसेज एरर का आ रहा था वो भी नहीं आएगा और 100% चार्ज हो जाएगा। तो ये मैंने फिटिंग कर दी है, उसके बाद इसको चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो अगर आपका भी ऐसा आता है, अगर आप भी जंपर करते हैं तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है आपका भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, थोड़ी देर वेट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 2% चार्ज दिख